कमाल का मैच दोहटी तरफ से स्टार्ट स्टार खिलाड़ी एनबीसी नमाडी एफसी टीम तरफ से भी एक बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी समय सुबह है सुरेश सोरेन एक बेहतरीन स्टार गोलकीपर नमाडी एफसी टीम तरफ से और समू सोरेन 13 नंबर पर दायना टुडू 14 नंबर पर टिकट बाबूलाल हासदा 15 नंबर पर अमर सोरेन 9 नंबर पर लेविया जी अगला मैच के लिए बुलाया जाए ग्राउंड और बी में जी बिल्कुल अगला मैच के लिए एनबीसी नवाड़ी बड़ा एनबीसी पुतुर वाला ग्राउंड ए में ग्राउंड बी में चले जाएंगे सदर क्लब सिल्कू बनाम आदित्य स्पोर्टिंग तो चलिए यहां पर टिकट पूरी तरह से मिल रहा है और यहां पर फुटबॉल उसका अवार्ड लक्की टिकट यानी कि लक्की कूपन भी यहां पर मिल रहा है दादारा बोधरा आज लक्की ड्रॉ होगा चमचमाता हुआ रेडमी 5G 12 का यहाँ पर मोबाइल मिलेगा तो यहाँ पर टिकट मिल रहा है 10 रुपया में धमाल और जिसका भी लॉटरी में टिकट आज विनर होगा उसका 10 रुपये रिटर्न फ्री में मोबाइल दिया जाएगा उसको यहाँ पर लक्की विनर का लक्की टिकट यहाँ पर मिल रहा है आप लोग यहाँ पर 10 रुपया में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फुटबॉल विश्व कप अवार्ड अगले मैच के लिए ग्राउंड है पर मैच नंबर 5 के लिए राम एफसी बनाम बिरसा क्लब बालदेवपुर राम एफसी बनाम बिरसा क्लब बालदेवपुर की टीम आप दो टीम में व्यवस्था में रहेंगे मैच नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है और ग्राउंड भी पर मैच नंबर 5 के लिए भी व्यवस्था में रहेंगे आरएसआर बाबा बागना बनाम सिंहभूम से मैच नंबर 4 में जो खेल होगा हो सकता है स्टार्ट हुआ होगा समर क्लब चुलबु ब्रह्म आदित्य स्पोर्टिंग तो चलिए यहाँ पर फुटबॉल उसका अवार्ड का टिकट यहाँ पर मिल रहा है अगर किसी इच्छुक साथी को अगर क्योंकि आज 4 बजे करीब यहाँ पर लक्की विनर लक्की टिकट 10 रुपया में आपको एक चमचमाता हुआ रेडमी 5G का मोबाइल मिलेगा आईडीसी का मैच होगा भाई आप लोग लाइव में बने रहिएगा जबरदस्त मैच की टीम भी आ रहा है टीम से कौन कौन सा प्लेयर आ रहा है एक राउंड में ही होगा टीम का और एक मैच के बाद है और छह सप्ताह और सीधा छठे सुंदर पास लेकिन सुंदर ब्लॉक और फिलहाल तितिर विदा और ये टारगेट से थोड़ी सी ऊपर और गलत से बात वर्तमान मैच चल रहा है ग्राउंड पर बेस नंबर पर
पर्तम चक्रम चौथा मुकाबला एनबीसी तिरुवनंतपुरम एनबीसी नावाडी चल चल बोल बोल सदर कप्पा तिला टीम कप्तान दर्ज पासास आची आशीष स्नेहा पर लेकिन गोल लाइन से बाहर और इस मैच पर पहली कमाल की काचित एनवीस नंबर टीम की टीम कप्तान फिरा सुपर पास जिस संदर्भ में एनवीस की टीम टीम तरफ से आराम से बहुत ही शानदार प्रयास लेकिन आंतरिका वर्ल्ड कप का क्षेत्र का सबसे अच्छा टीम कहा जाए यहाँ पर फिर से खेला बालदेवपुर एक और बेहतरीन मैच यहाँ पर आ रहा है राम एफसी और फिर से खेला बालदेवपुर मैच नंबर पांच ग्राउंड ए में एक धूम धड़ा का मैच कमाल का मैच होगा दोस्तों आने वाले मैच नंबर पांच दिल थाम के बैठिए एक बेहतरीन मैच यहाँ पर आ रहा है टिकट यहाँ पर खचाकच टिकट यहाँ पर काट रहा है जो भी दर्शक साथी बिना टिकट का अगर आप लोग बैठे हैं तो आप लोग वहां से हट जाएंगे अन्यथा शायद 500 रुपया जुर्माना और यहाँ पर एनवीसी तिथिर बिला चार से नंबर आठ मौका हो सकता है और यहाँ पर एक प्रयास देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन मोमेंट अभी भी मौका हो सकता है तिथिर बिना और यहाँ पर अपने साथी को पास देने के लिए बहुत सी साल के पर गलत पास और यहाँ पर रोहित लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन बॉल पास मोमेंट में यहाँ पर टच बहुत ही सुंदर प्रयास तो हटी चाहे बात करे कितनी बड़ा चाहे ना बाड़ी सुंदर खेल का प्रदर्शन चूलम कुला है नावाड़ी खेला सुंदर कंट्रा है सुंदर पास है सहयोग है लेकिन गोलकीपर लेबिया हाइब्रू जी आप कंटिन्यू अनाउंसमेंट करेंगे थोड़ा हम लोग काम में बिजी है लेबिया जी जी बिल्कुल आप कंटिन्यू ग्राउंड बी और ग्राउंड ए का अनाउंसमेंट करेंगे जी बिल्कुल धन्यवाद चल अगला मैच के लिए ग्राउंड ए पर तो हटी बात रेडी अवस्था पर रहेंगे ग्राउंड ए पर इस मैच के बाद अगला मैच देश नंबर फाइव के लिए पहला चक्र का चौंक मुकाबला राम एफसी बनाम बिरसा क्लब बालदेवपुर इस मैच के बाद अगला मैच रामपुर क्लब बनाम बिरसा क्लब बालदेवपुर की दो टीम आप फोर्थ ऑफिशियल टेबले में दो टीम लाइन अप हो जाएंगे और मैच नंबर फाइव ग्राउंड बी पर दो टीम आप लाइन अप हो जाएंगे आर एस आर बामा भगना बनाम सिंह वंश दो टीम से विशेष गुजारिश रहेगा ग्राउंड बी पर भी तो टीम आप लाइन अप हो जाएंगे मुकाबला समाप्त होने से पहले ही चलिए मैदान डूबते हुए फिलहाल एक ग्राउंड पर चलता हुआ एनवीसी त्रिबला बनाम एनबीसी नामाड़ी स्कोर लाइन 0-0 तक किसी भी टीम को सफलता हासिल नहीं हुआ है लेकिन हम लगातार कोशिश किया जाता है टीम तरफ से कि इसने पर पर्यावरण लाने की जिज्ञासा मन में एक उम्मीद एक आशा के साथ वह टीम चल रही है Thank you.
जासलव एलिवेट बिस्टा रोहित टोडू इस मैच में गोल दाता त्रिभाष से इंटरवल हुआ है अभी अभी और इस मैच पर एक सूट के बाद बना ली पहले हाफ पर एनबीसी नवाड़ी और इस मैच का गोलदा था टीम कैप्टन एनबीसी नवाड़ी एफसी के एक बेहतरीन स्टार खिलाड़ी रोहित टुडू टीम कैप्टन भी हैं और अगले मैच के लिए बिल्कुल बिल्कुल दो टीम और रेडी अवस्था में रहेंगे जिस दिन पास हो रहा था उस जगह पर पास नहीं हुआ और गोल छुपार के बाद गिरा गोल किक करने के बाद भी आगे बढ़ते हुए टीम नजर आए थे एनबीसी की लेकिन यहां पर चले कमयाब और लंबी शॉट काफी दूरी से लेकिन गोल पोस्ट काफी ऊपर और गोल छुपार अगले दस के ग्राउंड ओपन फ्रॉम एफसी बनाम बिरसा क्लब बॉल देवपुर चलते जड़ा है ना बंदी फ्रॉम एफसी बनाम बिरसा क्लब बॉल देवपुर लास्ट मैच के लिए दो टीम आप लाइन अप हो जाएंगे क्योंकि मैच इंटरवल हुआ है और अंतिम अंतिम की ओर अग्रसर हो चुका है सुंदर कंट्रोल नवाड़ी टीम कैप्टन सुंदर पास है रेड विंगर खिलाड़ी जर्सी में सेवन एक युवा खिलाड़ी सुंदर कार्टन जगन को यहां पर घुसने का प्रयास लेकिन सुंदर वाला तीन बीच गिर गिरा टीम तरफ जैसे बंटी राहुल गिरी चिना चप्पे होते हुए फिलहाल विशाल फूर्डी सुंदर पास है लेकिन फिर बच्चों में कमयाब तीन बीच नाबाड़ी और यहां पर कहीं ना कहीं खुनावर चिन्ह में कमयाब नावाड़ी की टीम और दूसरी बार की तलाश पर और यह टीम कप्तान रोहिंदर के साथ लेकिन दम नहीं सही स्तर पर नहीं अपने पैर के साथ रहता दो स्कूल बात बना सकती थी टीम एनबीसी नावाड़ी लेकिन फिर एक बार एनबीसी नावाड़ी टीम आगे बढ़ कर रहा सुंदर पास गंजा दौड़ करीब लेकिन सुंदर चल रहा छत्र से बाहर टीम पर बार एनबीसी गिर बना चलिए गांव समय की जरूरत नहीं जबकि बीट आप कह सकते हैं एनबीसी की बना के कमाल को बता सर रहा लेकिन एक सुन के भी चल रहे हैं राहुल है सीनियर खिलाड़ी और साथ साथ विशाल पूर्ति है एकदम का तकदार खिलाड़ी दूसरी टीम है जिस प्रकार जिस फॉर्म पर खेलते हैं एनबीसी की टीम वाला और फुटबॉल की दुनिया में काफी उत्साह तो नाम आता है एनबीसी की टीम वाला कुछ स्टार खिलाड़ी जैसे बाबुल फुर्ती फुर्ती बहतो दीपक तमाम फुटबॉलर कल ए टीम से खेले थे आज बीट इस मैच के बाद ग्राउंड में आएंगे जो मैच चल रही है अभी एनबीसी
नवाडी बनाम एनबीसी तितरविला। इसके बाद बहुत बड़ा मैच होने वाला है, आप है राम एफसी बनाम बिरसा क्लब बलदेवपुर। आप दोनों टीमों से मेरा गुजारिश है ये मैच समाप्ति किया है या चल रही है, रनिंग स्टेटस में है। इस मैच के 5 मिनट पूर्व आपको हमारा मेडिकल जोन में आना जरूरी है। उसके बाद और एक बड़ा मैच आएगा, जेके बर्दर्स अंडर 17 जमशेदपुर बनाम परवीन एफसी पोटका। सबसे सुखा यहां पर इसरा आते हुए सिद्धा जी का। चले मैच समाप्त की ओर आकर्षण हो चुका है। दो टीम राम फुटबॉल क्लब और बिरसा क्लब बलदेवपुर की दो टीम, दो बड़े दिग्गज टीम लाइन अप आ जाएंगे भाई। अच्छे अच्छे खिलाड़ी सामने से और डिस्ट्रिक्ट टीम रूप में जाने जाते हैं, लाइन अप आ जाएंगे अगला मैच के लिए। नवाड़ी टीम करता है लेकिन फिलहाल राहुल सुंदर कट, सुंदर पास है, सुंदर कॉम्बिनेशन और धीरे धीरे बढ़ती खराब है, लेकिन यहां पर गलत पास, थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है की तरफ से, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं, समय है। एक गोल अंतिम समय तक, अंतिम पल तक अगर आप प्रयास करते हैं, बस मेटल क्रिएट करना होगा और उस समय सटीक किक लगने की आवश्यकता होगी एमबीसी त्रिलोला टीम को। और यहाँ पर सेट फेस काउंसलिंग आई है, थोड़ी सी यहाँ पर हाथ का जो सहारा था कॉल बना गया और इसमें सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट आया हुआ है। पुनः एक बार एनबीसी नवाडी की तरफ से और एक सरफेस इकी का एक सुराग से एनबीसी नवाडी टीम को मिलता हुआ। चले ग्राउंड पर दो टीम लाइन अप हो जाएंगे, राम फुटबॉल क्लब और बिरसा क्लब बलदेवपुर। बिरसा क्लब बलदेवपुर बनाम राम एफसी इस मैच के बाद अगला मैच के लिए दो टीम लाइन अप हो जाएंगे। मैच समाप्त की ओर अग्रसर हो चुका है, अभी तक लाइन अप नहीं हुए हैं दो टीम। भाई कड़ी कड़ी खड़ावा खड़े कर छुपने की बात कौन सीजन में जो आज का पहला मैच दो टीम खेले उन्हें सुनने का पड़ा, आपको भी सुनने का, लेकिन आपको सहने की जरूरत होगा सर। इसलिए दो टीम अगला मैच के लिए राम फुटबॉल क्लब और बिरसा क्लब बलदेवपुर लाइन अप हो जाएंगे। फिर प्रथम सात का अग्रसर हो चुका है ग्राउंड ए पर और ग्राउंड बी पर मैच नंबर फर्स्ट के लिए आर एस आर महावजना बनाम सिंह भूम से लाइन अप हो जाएंगे। चलिए इसके बाद जो एनबीसी नवाड़ी और एनबीसी तितरविला के बीच के बाद मैच नंबर 5 राम एफसी और बिरसा क्लब बलदेवपुर की टीम, दोनों ही टीम लाइन अप हो जाएंगे। राम एफसी और बिरसा क्लब बलदेवपुर ग्राउंड बी के लिए आप लोग चले जाएंगे मैच नंबर 5 के लिए, वहीं पर मैच नंबर 6 ग्राउंड ए में खेलते हुए नजर आएंगे
के ब्रदर्स अंडर 17 जमशेदपुर बनाम परवीन एफ सी पॉट का वही पर ग्राउंड भी में मैच नंबर 6 दुर्गा स्टेडियम का रियल फाइट के बीच खेला जाएगा। मैच नंबर 7 ग्राउंड ए में खेला जाएगा पीएल राहुल स्टेडियम बनाम सांताड़ी एफसी। वहीं पर मैच नंबर 7 ग्राउंड बी में खेला जाएगा एंजल एफसी और जगुआर।